गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ। मैंने सेकंड चैनल पर जो है व्लॉग शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसमें जो है पिज्ज़ा, होममेड पिज्ज़ा की रेसिपी थी वो शेयर की थी। तो ये जो है व्लॉग है कल का, और यहाँ पर जो है लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ भाभी के साथ मार्केट, दिशु और भाभी, छोटी वाली भाभी हैं उनके साथ, क्योंकि हमें जो है थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करनी है। क्या शॉपिंग करनी है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा, या फिर आप थंबनेल वगैरह देखकर समझ ही गए होंगे। तो देखिए, रेडी हो गए थे सब लोग, बस यहाँ पर जो है हम लोग निकल गए हैं। और ये मैंने अपना रेड वाला अनारकली डाला हुआ है, ये भाभी ने घर पर ही स्टिच किया था, चुनरी वाली साड़ी थी उससे, क्योंकि इस तरह के जो सूट है ना इस टाइम काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड में हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पैदल चले, फिर हमें रिक्शा मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा कर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना एकदम से, और गर्मी में सच में मार्केट वगैरह जाना बहुत ही मुश्किल लगता है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं इतना जो है आती जाती नहीं हूँ, आप सभी को पता ही है। तो हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि रिक्शा ही कर लेंगे, बस ये है कि थोड़ा बहुत तो फिर भी जो है चलना ही पड़ता है, एक शॉप से दूसरे शॉप कोई चीज़ लेनी होती है, बट मोस्टली हमने रिक्शा ही किया था, जिससे कि ज़्यादा परेशानी ना हो और धूप से भी जो है बचाव हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम आए हुए हैं एक शॉप पर, आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी की शॉप है, क्योंकि इन दिनों ना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सभी पर बहुत ज़्यादा देखा है 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी। तो मुझे भी लेने का ना काफ़ी मन हो रहा था जब मैं इटावा में थी, बट मुझे पता था कि हमारे यहाँ ना, यहाँ पर ये एक अलग से मार्केट है जहाँ पर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ही मिलती हैं। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना यहाँ मार्केट में ट्राई किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने जितनी भी देखी। तो हम लोग इसी वजह से आए थे, भाभी को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे भी लेना था, तो मैंने कहा चलिए पहले मार्केट में ही ट्राई कर लेते हैं। तो स्पेशली मुझे जो है मंगलसूत्र लेना था। तो यहाँ पर देखिए, कई दुकानें हमने जो है देखी, बट क्या था कि जो मंगलसूत्र का जो पेंडल था ना, वो तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, एकदम ये समझ लिए बिल्कुल रियल गोल्ड लग रहा था, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। बट इनकी जो चेन थी ना, वो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, वो 1 ग्राम जैसी गोल्ड जैसा जो है लुक नहीं दे रही थी। तो काफ़ी हमने ढूंढा कि मिल जाए मिल जाए, बट फिर जो है सब जगह सेम ही थी। तो फिर हमने एक शॉप से जो है बाय कर लिया, काफ़ी प्यारा सा जो है पेंडेंट था, वो तो एकदम गोल्ड जैसा ही लग रहा था। और जो चेन थी फिर वो हमने ले ली कि चलिए अभी यही ले लेते हैं, जब नहीं मिल रही है तो अब पूरा तो जो है उसको कंप्लीट करना ही है, सिर्फ पेंडल का क्या करेंगे। फिर और थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की वही 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी वाली, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, फिर हम लोगों ने रिक्शा किया। फिर यहाँ एक अलग से छोटा सा मार्केट है, भाभी ने जो है ब्लाउज़ के कुछ पीसेस मंगाए थे अपनी साड़ियों के लिए, तो वही लेने के लिए हम लोग आ गए थे। तो ये शॉप काफ़ी पुरानी है, हमें साड़ी के मैचिंग के ब्लाउजेज, पेटीकोट वगैरह कुछ भी मिलाने होते हैं ना, तो इन्हीं से लेते हैं। और इतने प्यारे प्यारे से कलेक्शन, इतने प्यारे प्यारे फैब्रिक जो है ये लेकर आते हैं। तो यहीं से जो है 2 साड़ी थी भाभी की, तो दोनों के लिए मैंने जो ब्लाउज़ के पीसेस थे वो मैच करवाए, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, ये आप देख सकते हैं न्यू ही आया हुआ था। तो इस टाइम वैसे भी साड़ियों में कंट्रास्ट जो है ब्लाउजेज ज़्यादा चलते हैं, तो वही मैंने अपने हिसाब से मिला लिए थे जो अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ से छोटी वाली भाभी अपने कुर्ते वगैरह ले जाती हैं, तो मैंने कहा चलिए देख लेते हैं कुर्ते वगैरह, मुझे अनारकली लेना था अगर मिल जाता, बट मुझे कुछ खास पसंद आए नहीं। इसके बाद फिर सोचा किसी और शॉप से देख लेंगे, तब तक घर से फ़ोन आ गया था कि अभी जाग गया है, वो रो रहा है, क्योंकि मैं अभी को घर पर ही छोड़ कर आई थी, वो सो गया था इस वजह से। तो फिर जो है बहुत ज़्यादा हमने सूट वगैरह नहीं देखे कि फिर कभी देख लेंगे, इतनी ज़्यादा कुछ नीड भी नहीं थी, बस ये था कि आए थे तो सोचा देख लेते हैं, पसंद आ जाएगा तो एक आधी ले लेंगे। तो बस यहाँ पर फिर मुझे पसंद नहीं आया, तो भाभी के साथ फिर हम लोग जो है निकल के पीछे दिशु जो है वीडियो शूट करने पे लगी हुई है, उसी को कैमरा पकड़ा दिया था। तो बस फिर हम यहाँ से चले थोड़ी दूर, फिर हमें जो है गन्ने का जूस होता है उसकी एक दुकान जो थी वो मिल गई, फिर हम लोग आराम से थोड़ी देर बैठे,
क्योंकि इतना ज़्यादा चल भी नहीं रहे थे, फिर भी ना गर्मी इतनी हो गई है ना कुछ दिनों से कि इतनी हालत ख़राब हो गई थी, और एकदम दोपहरी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा जो है धूप की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जूस लिए, उसको पिया, तब तक जो है थोड़ा देर बैठे तो थोड़ा राहत भी मिल गई छाँव में। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े तो सूजी के पड़ाके दिख गए, और सूजी की जो पड़ाके पानी पूरी होती है ना, ये अगर दिख जाए ना तो सच में हम लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, भाभी हो, मैं हूँ, कोई भी। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो सूजी की जो पानी पूरी थी वो खाई, थोड़ा सा जो है दिशु ने शूट किया, और बस इसके बाद थोड़ा सा आगे हम और गए। फिर जो है मुझे कुछ थोड़ा सा सामान और लेना था वो लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है रिक्शा कर लिया। तो बस यहीं पर थोड़ा सा हमें जो है चलना पड़ा, बाकी का हम जो है रिक्शे से ही आ जा रहे थे। और यहाँ पर बस अब हम लोग निकल आए हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है फ़ोन आ गया था तो अभी जो है काफ़ी रो रहा था। फिर आकर जो है मैं आ गई ऊपर सामान दिखाने के लिए, और यहाँ पर मम्मी भाभी जो है बना रही हैं गुजिया, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए जब गुजिया भेजी थी ना तभी बनाई थी तो वो हो गई थी ख़त्म। तो फिर मम्मी ने कहा चलिए बना लेते हैं, भाभी के यहाँ से खोया आ गया था, तो बस सभी लोग बैठकर बना रहे हैं गुजिया, और मैं यहाँ पर अपनी जो ज्वेलरी लेकर आई हूँ, मैं, भाभी, जो भी, वो सब आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये हैं बैंगल्स, और ये सभी जो चीज़ें हैं 1 ग्राम गोल्ड की हैं, जो एकदम गोल्ड का लुक देती हैं। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो ये 2 भाभी लेकर आएंगे, वैसे मुझे नहीं लेनी थी बैंगल्स, जो है भाभी को ही लेने थे, बट मुझे भी डिज़ाइन इतना प्यारा लगा ना तो मैंने कहा चलिए। तो 2 मैंने ले लिए हैं, 2 भाभी ने ले लिए हैं, और ये जो है एक बैंगल जो है 100 रुपीज़ का पड़ा है, यानी 4 बैंगल हमें 400 रुपये के मिले हैं। और ये कानों के जो है इयररिंग हैं, वैसे झुमकी देख रहे थे बट झुमकी नहीं मिली, तो ये टॉप्स जो है मिल गए, अच्छे लग रहे थे, एकदम गोल्ड जैसा लुक आ रहा था, तो फिर ये भी ले लिए, ये 200 रुपये के जो है मिले हैं। और जैसा कि आपको बताया सारी ही ज्वेलरी 1 ग्राम गोल्ड वाली ही है। और ये 3 जो है रिंग हैं, 2 भाभी ने ली हैं और 1 मैंने ले ली, अच्छी लगी थी तो फिर मैंने भी ले ली। ऐसा होता है ना, हमें कोई चीज़ नहीं लेनी होती है बट साथ में कोई ले रहा होता है, पसंद आ जाती है तो फिर ले लेते हैं, तो वही वाला हिसाब है। भाभी ले रही थी तो फिर मैंने ले ली। तो ये देखिए ये कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो एक ये भाभी ने लिया है, और ये जो है एक इस तरह का मैंने लिया है, एक भाभी ने, ये 2 एक जैसा डिज़ाइन है, तो इसमें एक भाभी का है एक मेरा है। तो बस ये एक रिंग मेरी थी, और इसके साथ ही बैंगल्स, और ये देखिए ये एक जो है ब्रेसलेट है हाथ का, तो ये दिशु को काफ़ी अच्छा लग रहा था तो ये दिशु लेकर आई है। इस पर जो है देखिए क्वीन लिखा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, हाथ में पहनने पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। सबसे लास्ट में ये देखिए मंगलसूत्र, तो कितना प्यारा लग रहा है सच में। स्पेशली इसका जो पेंडेंट है वो आप देखिए, चैन इतनी एकदम रियल लुक नहीं दे रही है बट पेंडेंट को आप देख सकते हैं, एकदम गोल्ड वाला फिनिशिंग, एकदम गोल्ड वाला लुक है, एकदम जस्ट वाव बोलते हैं ना वो वाला, आप खुद ही देख सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सच में। और ये विद चेन जो है 650 का जो है मिल गया है, बट वही है कि पेंडेंट मुझे काफ़ी पसंद आया बट चेन मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बट ले लिया था कि चलिए अब सिर्फ पेंडेंट का क्या करेंगे, चेन तो जो है चाहिए ही थी तो फिर ले ली थी, बट चेन इतनी एकदम जो होता है ना रियल वाला लुक नहीं दे रही थी। तो ये थी सारी ज्वेलरी, तो बस यहाँ पर मैं सब पहन कर दिखा रही थी, भाभी और मम्मी बैठी हुई थी उनको, और सच में पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं, और एकदम रियल वाला ही लुक लग रहा था। और इस तरह की ज्वेलरी सच में अगर हम ओरिजिनल गोल्ड की बनवाएंगे ना तो सच में लाखों की बनेगी, लाखों की। और ये 1 ग्राम में जो है कितनी अफोर्डेबल हमें मिल गई हैं, और एकदम रियल लुक ही देती हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो कैसी लगी आपको ज्वेलरी मुझे ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ नीचे, और बस थोड़ा सा मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एकदम थकान सी हो गई, गर्मी भी लग गई और थकान भी हो गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस तरह से इतना ज़्यादा मैं कभी भी जो है नहीं चली हूँ, ना ही मार्केट वगैरह जाती हूँ। इटावा में तो आपको पता ही है मार्केट तो मेरा जाना होता ही नहीं है, तो आज हम लोग गए थे। वैसे तो ज़्यादातर हम लोगों ने रिक्शा ही किया था बट फिर भी
थोड़ा बहुत तो जो है हो ही जाता है, और गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है अगर ज़रा भी चलना हो जाए। विंटर में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस थोड़ा सा जो है अब मैं करूँगी रेस्ट, और इस व्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको मेरी 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी भी पसंद आई होगी। काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी, बहुत जो है इस टाइम चल रही है 1 ग्राम ज्वेलरी 1 ग्राम ज्वेलरी, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं कैसी है क्या है। इस वजह से मैं गई थी, और जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे पसंद आया, वो मैं लेकर आ गई। अब देखते हैं कैसी क्या चलती है, कितने दिन चलती है, वो भी मैं आप सबको आगे बताऊंगी कि कैसी निकली है कैसी नहीं, पर उसमें अभी टाइम लगेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।